नमस्कार, मैं आस्था श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकनाथ। आइए डालते हैं आज की खास खबर पर नजर। ग्वालियर चंबल अंचल में बंदूक लेकर चलना शान की बात मानी जाती है और यही वजह है कि किसी छोटे मोटे कार्यक्रम में भी हर्ष फायरिंग जैसे मामले सामने आते रहते हैं। हालांकि प्रशासन की ओर से हर्ष फायरिंग को लेकर रोक लगा रखी है, लेकिन फिर भी अपनी झूठी शान के खातिर फायरिंग करने वालों की कमी नहीं है। सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें घर में आयोजित किसी खुशी के मौके पर दो युवक ताबड़तोड़ फायरिंग करते नजर आ रहे हैं। इनमें एक युवक नीचे खटिया पर बैठकर फायरिंग कर रहा है तो दूसरा युवक छत पर फायरिंग ठोक रहा है, जबकि आसपास मौजूद लोग सहमे हुए हैं। 21 सेकंड के इस वायरल वीडियो में जहां एक व्यक्ति नीचे खटिया पर बैठा नजर आ रहा है और अपनी राइफल से एक के बाद एक अंधाधुंध फायरिंग करता दिख रहा है, तो वहीं उसको देखकर दूसरे एक अन्य युवक को भी जोश आ जाता है और वह भी अपनी बंदूक से छत से एक के बाद एक फायर करना शुरू कर देता है। बताया जा रहा है कि फायरिंग का यह वायरल वीडियो बिजौली थाना क्षेत्र के किसी गांव का है, जहां पर किसी कार्यक्रम में यह जानकारी हर्ष फायरिंग की है। इसका किसी ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। वायरल वीडियो पुलिस के पास भी पहुंचा है और पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले में यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि आखिरकार यह वीडियो किस गांव का है। वहीं फायरिंग करने वाले युवकों की भी पहचान की कोशिश की जा रही है। पता यह भी चला है कि फायरिंग का यह वीडियो काफी पुराना है, जिसे अब सोशल मीडिया पर वायरल किया गया है। अभी तत्काल में वीडियो देखा है मैंने, फायरिंग करता हुआ, हवाई फायर करता हुआ, और ऐसा बताया गया कि बिजौली क्षेत्र का है, तो मैंने बिजौली थाना प्रभारी और संबंधित SDOP को निर्देशित कर दिया है कि उनको आइडेंटिफाई करके उनके विरुद्ध तत्काल वैधानिक कार्रवाई करें। अब नए युवाओं में आजकल एक फैशन सा चला है, तो इनके विरुद्ध हम लगातार आइडेंटिफाई करके उनके विरुद्ध कार्रवाई कर रहे हैं और सख्त से सख्त कार्रवाई चालू कर रहे हैं। चूँकि चुनाव आयोग के भी निर्देश हैं तो इनकी लाइसेंस भी निरस्त की कार्रवाई की जा रही है। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही हमारे अन्य सोशल मीडिया हैंडल्स जैसे कि Instagram और Facebook को भी आप फॉलो कर सकते हैं।